फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हमारे यहां त्योहारों में लहसुन प्याज नहीं बनता है तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सब्जी कैसे बनेगी, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं तो अधिकतर घरों में लहसुन प्याज नहीं खाते। तो इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ बिना प्याज बिना लहसुन के पनीर बटर मसाला। जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। इसमें मैं डालूंगी दो छोटी इलायची, दो लौंग, एक स्टार एनिस, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, काली मिर्च, अदरक, तीन चार हरी मिर्चें, 10-15 काजू और आधा चम्मच जीरा। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम मैं स्लो रखूंगी और अब मैं डालूंगी चार, मैंने टमाटर को मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप किया हुआ है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी नमक, थोड़ा सा डालूंगी मैं पानी, और इसे ढक के हम 3-4 मिनट तक कुक करेंगे। हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसे ठंडा करके और हम मिक्सी ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना के छान लेंगे छन्नी से, क्योंकि हमें एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए इसका, क्योंकि खड़े मसाले डाले हमने तो उसके दाने रह जाएंगे, इसीलिए हमें इसे छान लेना है। हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए इसके लिए। मैंने एक कढ़ाही में बटर डाला है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पनीर बटर मसाला है तो इसलिए इसमें बटर ही मैं तो बोलूँगी कि आप डालें। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से। और अब हम डालेंगे पेस्ट। इसे हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। इसमें मैं आधा चम्मच डालूंगी चीनी और बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी मैं नमक, क्योंकि बटर में भी नमक है और हमने टमाटर बॉईल करने में भी नमक डाला था, तो उसी हिसाब से हम डालेंगे। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें पानी। इसमें एक उबाल आने देंगे हम। इस स्टेज पे मैं डालूंगी पनीर। मैंने 500 ग्राम पनीर का क्यूब में काट के ले लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पनीर को मैंने क्रश कर लिया था, वो हमारी ग्रेवी को थिक करेगा। और 3-4 मिनट हम इसे कुक करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, क्योंकि मैंने गरम मसाले खड़े वाले भी डाले थे, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पत्ता और थोड़ा सा डालेंगे क्रीम, क्योंकि ये पनीर बटर मसाला है और इसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसके क्रीमी टेक्सचर के लिए हम थोड़ा सा अमूल का क्रीम डालेंगे। आपके पास नहीं हो तो दूध की मलाई को अच्छे से छान के आप ले सकते हैं। इसे एक उबाल आने देंगे। हमारी सब्जी कुक हो गई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करूंगी और इसे सर्व करेंगे हम। फ्रेंड्स, मेरा तो पनीर बटर मसाला बन के रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना हुआ है। आप भी इसे इस नवरात्र जरूर ट्राई करें और आपका कैसा बना मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।